जी सर, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स के रूल्स आगे ये कोई प्रॉपर्टी टैक्स कोई नई बात नहीं है, पूरे देश के ऊपर जहाँ जहाँ कॉर्पोरेशन हैं वहाँ वहाँ म्यूनसिपैलिटी लोकल बॉडीज में प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है, सारे लोगों को भी मालूम है। हमारा जो पुराना एक्ट है 2000 का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का 2000 का, उसमें भी इसका प्रावधान था। उसके बाद 2011 में इसको कुछ अमेंडमेंट भी किया गया था और इम्प्लीमेंटेशन करने की पूरी कोशिश की थी गवर्नमेंट ने, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात मिलिटेंसी होने के कारण जहाँ कुछ यहाँ कॉर्पोरेशन नहीं बनी थी तब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। लेकिन कमी यही रही कि पूरे देश में भारत में 14 बार चुनाव हुए लोकल बॉडीज़ के, लेकिन जम्मू कश्मीर में 4 बार ही हुए लोकल बॉडी के चुनाव, इसलिए भी कुछ कमियां रही हैं। लेकिन अभी हम यूटी में आ गए हैं 370-35 हटने के बाद, अब हमारा जो सारा कंट्रोल है यूटी का होम मिनिस्ट्री के पास है। तो जिस तरह बाकी भारत में बाकी कॉरपोरेशन के अंदर म्यूनसिपैलिटी में हाउस टैक्स लगा है, यहाँ भी लगना चाहिए उनका ये मानना है। तो उन्होंने अभी तो कोई गाइडलाइन हमारे पास आई नहीं है, अभी तो सिर्फ इसका जिक्र ही हुआ है। लेकिन हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आपस में कॉर्पोरेटर जब हम बैठते थे तो ये भाई इसको हाउस में लाएंगे डिस्कस करेंगे, मैंने कहा सिर्फ डिस्कस ही करिए, अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हम करेंगे। कारणवश कोविड के कारण 5-6 महीने हम नहीं कर सके, हमारा हाउस नहीं ला सका, अब जल्द से जल्द हाउस लगाने का प्रयास करेंगे और हाउस में रखेंगे इसको। जो 75 कॉर्पोरेटर हैं हमारे ऑनरेबल, उनकी जो सहमति बनेगी जिस तरह से उसके ऊपर उसी हिसाब से, आम जम्मू वासियों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी गरीब के ऊपर कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा, अगर कोई लगेगा मुझे आइडिया, पहले हम डिस्कस एक कनाल के जो ऊपर के प्लाट्स हैं या घर हैं उनके ऊपर या जो कमर्शियल अदारे हैं उनके ऊपर हमारा लगाने का पहला प्रयास यही होगा कि आम शहरी को, आम गरीब आदमी को, जो हम पहले ही मिलिटेंसी एग्रीज हैं पिछले 31 साल से, और ऊपर से ये कोविड की मार पड़ी है हमको, पूरे देश को पड़ी, विश्व को, लेकिन फिर भी जो भी जब होश लगेगा जो होगा उसमें आम नागरिक को, आम गरीब को कोई तंग नहीं किया जाएगा, ना हम टैक्स लगाएंगे। ये अपोजिशन वालों ने बड़ा शोर डाला है जम्मू को, इन्होंने बीजेपी वालों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन टैक्स लगेगा ऐसा होगा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? अब अपोजिशन का काम है ब्लैक को वाइट कहना, वाइट को ब्लैक कहना। जो अपोजिशन आज हमारे कांग्रेस के भाई जो शोर डाल रहे हैं ज़्यादा, क्या उनको पूछो आपकी जहाँ जहाँ कॉर्पोरेशन है, यहाँ यहाँ आपकी सरकारें हैं, चाहे राजस्थान पंजाब की बात करें, क्या वहाँ हाउस टैक्स नहीं है, ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा हुआ है? तो ये कहने का बात अलग है, लेकिन हम बींग जम्मू वासी बींग पिछले 30-35 साल से यहाँ हालात ख़राब हैं, और जम्मू कश्मीर में जम्मू ही एक हमारा प्रोविंस है या जम्मू शहर है जो टैक्स देता है, चाहे बिजली पानी हर चीज़, बाकी वाले बहुत से हमारे वैली के वो नहीं भी देते हैं, हम उसका कंपेरिजन नहीं करते। लेकिन आज भी जम्मू वासी ईमानदारी से हर चीज़ का, बिजली पानी का सब टैक्सी दे रहे हैं, और भी इनकम टैक्स सेल टैक्स का भी अगर आप उसका भी दायरा निकालें तो कश्मीर से हम लोग डबल ट्रिपल 4 गुना टैक्स दे रहे हैं। किसी जम्मू वासी को, जम्मू शहर के कॉरपोरेशन में रहने वाले को तंग कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, पूरा सोच समझ कर, पूरा हमारा जो सहमति बनेगी ऑनरेबल 75 कॉरपोरेटरों की, उसमें से जो रास्ता निकलेगा, और पहला प्रयास होगा कमर्शियल को लगाना और एक नाल से ऊपर।